हिंदुस्तान के भावी जिलाधिकारियों को सुप्रभात। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त गणेश चंद्र पाल स्वागत करता हूं आपका आपके अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म एम फॉर मैथमेटिक्स के यूपीएससी सीसेट सेक्शन में। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे डिविजिबिलिटी बाई सेफ। इसकी डिविजिबिलिटी को हम दो तरीके से देख सकते हैं। फर्स्ट मेथड में क्या है, फर्स्ट मेथड में यह है कि कोई भी नंबर अगर दिया गया है, बेसिकली क्या होता है ना, जो फर्स्ट मेथड है, अगर कोई छोटा, देखिए बड़ा या छोटा कोई भी नंबर हो, बेसिकली हम उसे यूज तो कर सकते हैं, लेकिन होगा क्या कि अगर कोई बड़ा नंबर रहेगा तो उसको करने में इससे थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा। तो इसलिए हमने क्या किया, इसे दो तरीके में डिवाइड कर दिया। अगर कोई छोटी नंबर है तो आप इस तरीके को यूज कर सकते हैं कि उसके आप यूनिट प्लेस के डिजिट को क्या करेंगे, उसमें दो से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर कोई एक नंबर हो तो उसके यूनिट प्लेस पे जो नंबर रहेगा उसको क्या करेंगे आप, उसमें दो से मल्टीप्लाई कर देंगे। और मल्टीप्लाई करने के बाद उस नंबर के, जैसे यूनिट प्लेस आपने हटा दिया, यूनिट प्लेस में दो से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यूनिट प्लेस में दो से मल्टीप्लाई करने के बाद बाकी जो डिजिट बचेंगे उससे जो संख्या बनेगी उसमें से आपको क्या करना है, उस मल्टीप्लाई वाले नंबर्स को माइनस करना है। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, जैसे एग्जांपल दिया गया है 1911, तो यहां यूनिट प्लेस पे क्या दिया गया है, 1, क्या दिया गया है, 1, यूनिट प्लेस दिया गया है 1, तो हमने क्या किया, इस 1 को हटा दिया, इस 1 को कॉमन ले लिया, हटा दिया मतलब साइड ले लिया, और साइड लेकर इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और बाकी बची हुई संख्या डिजिट्स की संख्या में, मतलब कि इस डिजिट को हटाने के बाद जो संख्या बची है, क्या बची है, 191, तो इसमें से माइनस कर दिया किसको, 1 × 2 को, तो अब देखिए 191 से 2 को माइनस किया कितना, 189। अभी भी देखिए यूनिट प्लेस पर, देखिए 189 है, यूनिट प्लेस पे क्या है, 9 है, तो हमने क्या किया, 9 को अलग किया और इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से मल्टीप्लाई करके बची हुई संख्या से घटा दिया, 18 में से 18 गया 0, ये क्या आ गया, 0। अगर हमने क्या कहा था कि अगर उसे घटाने के बाद, सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या आ जाए, रिमेनिंग नंबर क्या हो, 0 आए या फिर 7 से डिविजिबल हो, तो दी गई संख्या भी क्या होगी, 7 से डिविजिबल होगी। तो इसका मतलब कि 91911 क्या है, 7 से डिविजिबल है। तो आइए चेक करते हैं कि क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो देखते हैं। तो नंबर कितना दिया गया है, 1911, अब हमें किससे चेक करना है, 7 से, ये देखिए 7, 7 2 जा 14, 5 आ गया, 7 7 जा 49, 2 आ गया 1, 7 3 जा 21, ये देखिए रिमाइंडर 0 आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये संख्या क्या है, 7 से डिविजिबल है। तो इसका मतलब हम जो रूल पढ़ रहे हैं या जो कंडीशन हमने देखा, तो इससे क्लियर हो रहा है कि ये संख्या क्या है, डिविजिबल है, और वो रूल्स क्या है, सेटिस्फाई हो रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, एक एग्जांपल और देखते हैं। ये नेक्स्ट एग्जांपल में दिया गया है 86415, यूनिट प्लेस वाले नंबर पर को अलग किया और 2 से मल्टीप्लाई किया, बाकी बची हुई डिजिट के साथ जो संख्या बन रही है, देखिए 5 को हटाने के बाद ये संख्या बची हुई, और इस संख्या से हमने क्या किया, 5 × 2 को माइनस किया, 10 को माइनस किया कितना आया, 86331। फिर हमने क्या किया कि 1 को हटा के 2 से मल्टीप्लाई किया, बाकी बची संख्या से हमने क्या किया, घटा दिया, कितना बचा, 861। तो 861 से 1 को हटाया, 2 से मल्टीप्लाई किया, 86 से 2 माइनस किया, कितना आ गया, 84। क्या किया देखिए, फिर 4 था, 2 को मल्टीप्लाई किया, 8 को हटा करके, ये देखिए 0 आ गया। और दूसरी चीज कि अगर हम चाहें तो, जैसे हमने एक बार दो बार, आपका जहां भाई जिस भी स्टेप पे मन करे आप वहां 7 से डिवाइड करके चेक कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि छोटी वैल्यू आ गई है, मैं डिवाइड करके चेक कर सकता हूं, तो आप वहीं पर चेक कर लीजिए, जरूरी नहीं है 0 लाइए। जैसे जैसे यहां से देखिए आपको 84 मिल गया, तो आप चेक कर सकते थे कि हाँ यार देखिए 7 से क्या होता है, डिविजिबल होता है, 12 से क्या होता है, 84, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये डिविजिबल हो जा रहा था, तो हमें यहां तक आने की जरूरत नहीं थी। बेसिकली हम यहां तक आ गए, हमने देख लिया 0 आ गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर माइनस करने के बाद 0 आ जाए या ऐसी संख्या है जो क्या हो, 7 से डिविजिबल हो, तो हम बोल देते हैं कि वो संख्या भी क्या होगी, 7 से डिविजिबल होगी। तो चलिए बेसिकली यहां 7 आ गया, तो ये चेक करते हैं कि क्या ये संख्या, क्या ये संख्या 7 से डिविजिबल है। तो 86415 हमने इसे डिवाइड किया 7 से, तो ये देखिए 7 × 1 = 7, तो 31 में से 28 गया, कितना आएगा, 3, और 5 7 5 जा 35, ये देखिए क्या हो गया, रिमाइंडर 0 आ गया, रिमाइंडर 0 आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये संख्या क्या है, 7 से डिविजिबल है। तो यहां से भी क्लियर हो रहा है, और कंडीशन से भी हमने क्लियर कर लिया कि क्या है कि अगर माइनस करने के बाद 0 या ऐसी संख्या जो 7 से डिविजिबल हो, तो उस संख्या क्या होती है, 7 से डिविजिबल होती है। तो कोई संख्या दिखे हमें, उसमें 7 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए यूनिट प्लेस पर जो डिजिट था उसे हटाने के बाद जो संख्या बनेगी, उसमें से उस यूनिट प्लेस में 2 से मल्टीप्लाई करके हमें क्या करना है, माइनस करना है। और यूनिट अगर माइनस करने के बाद 0 आ रहा है या ऐसी संख्या जो 7 से डिविजिबल है, तो हम कह देंगे कि जो संख्या दी गई थी वो भी 7 से डिविजिबल होगी। अगर हम सेकंड मेथड की बात करें, 7 से डिविजिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, और अक्सर क्वेश्चन जो बनते हैं वो 7 से डिविजिबिलिटी या 11 या 13 की डिविजिबिलिटी पे ज्यादा बनते हैं, तो हमें इसे बहुत ध्यान से देखना है। 7 की डिविजिबिलिटी के सेकंड मेथड में यह कहा जाता है कि अगर कोई संख्या बड़ी है, ठीक है, अगर कोई संख्या बड़ी है, तो हम उसे क्या करते हैं, तीन तीन डिजिट के ग्रुप में उसे डिवाइड कर लेते हैं। अब तीन तीन
डिजिट के ग्रुप में डिवाइड करने के बाद जो भी उसमें नंबर्स आते हैं उनमें ऑड और इवन प्लेस के नंबर को एक साथ ऐड कर लेते हैं। ऑड और इवन के प्लेस पर, जैसे देखिए ना, हमने ये एग्जांपल लेते हैं, ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। 4537792 करके एक संख्या है, मैंने क्या किया, इसे तीन तीन के रेशियो डिवाइड किया, तीन तीन डिजिट के ग्रुप में डिवाइड किया। देखिए एक और अच्छा स्टार्ट कहां से करते हैं, राइट साइड, तो 1 2 3 1 1 2 3 1, फिर इसके बाद 4 बच गया। फिर हमने यहां से और लेफ्ट साइड से काउंटिंग करेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो फर्स्ट का मतलब फर्स्ट और थर्ड क्या होते हैं, ऑड प्लेस होते हैं, तो मैंने ऑड प्लेस को एक साथ सम कर लिया, ये देखिए 792 और 4 को एक साथ ऐड कर लिया। फिर इसके बाद इवन प्लेस पर जो नंबर था वो क्या हो गया, 537, ये हो गया। फिर जो सम प्लेस और ऑड प्लेस पर संख्याएं आई हैं उनका फिर क्या करते हैं, डिफरेंस करते हैं, और डिफरेंस करने के बाद जो संख्या आ रही है अगर वो संख्या 7 से डिविजिबल है तो इसका मतलब वो दी गई संख्या भी क्या होगी, 7 से डिविजिबल होगी। तो हमने यहां पर जब माइनस किया तब पर भी हमें कुछ बड़ी संख्या मिल रही थी और फिर भी हमें समझ नहीं आ रहा था कि 7 से डिविजिबल है कि नहीं। तो फिर हमने क्या किया कि जो पहला रूल था ना, पहला रूल था कि यूनिट प्लेस पर क्या करें, यूनिट प्लेस को सेपरेट करें, 2 से मल्टीप्लाई करके घटा दें, वही वाला फिर हमने यूज कर लिया। ये देखिए 259 में हमने क्या किया, 9 को अलग किया, 25 से 9 × 2 करके मल्टीप्लाई करके सेपरेट कर दिया, 25 - 18 कितना गया, 7। और 7 क्या होता है, अब भाई 7 है तो 7 से डिविजिबल तो होना ही है। तो इस तरीके से हमें यह क्लियर हो रहा है कि अगर हमें कोई बहुत बड़ी नंबर दे दी जा रही है, क्योंकि अब एक एक डिजिट लेना, 2 से मल्टीप्लाई करना, फिर उसे सब्ट्रैक्ट करना, तो इससे क्या होगा कि बहुत टाइम लगेगा, और इस तरीके से आप करेंगे तो थोड़ा आपको कम टाइम लगेगा और तेजी से आप आंसर की तरफ बढ़ पाएंगे। तो कोई बाउंड्री नहीं है, या फर्स्ट मेथड या सेकंड मेथड एक ही बार लगा सकते हैं, आप दोनों को एक साथ लगाकर आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आइए चेक करते हैं कि क्या यह दी गई संख्या 7 डिविजिबल है कि नहीं। इधर से क्लियर है कि डिविजिबल है, लेकिन आइए हम चेक करते हैं कि यह सचमुच डिविजिबल है कि नहीं, या हमारा जो कंडीशन है, रूल्स है, सेटिस्फाई हो रहे हैं कि नहीं। जो एग्जाम्पल है वो संख्या दी गई है, कितनी है, 4537792 डिवाइड बाई कितना करना है हमें, 7 डिवाइड बाई कितना करना है, 7। तो ये देखिए, तो 7 6 = 42, 7 6 = 40, ये देखिए कितना हो जाएगा, 7 5 = 35, 7 5 = 35 कितना आ जाएगा, 4, और ये 2 लिख लीजिए, 7 6 = 42, ये देखिए क्या होगा, रिमाइंडर 0 आ गया। इसका मतलब ये संख्या क्या है, ये संख्या क्या है, 7 से डिविजिबल है। तो इससे क्लियर होता है कि जो कंडीशंस हम लोग पढ़े हैं यहां पर वो कंडीशंस क्या है, ये फुलफिल कर रहा है, क्योंकि ये संख्या क्या हो रही है, 7 से डिविजिबल हो रही है। और यहां इस तरीके से भी पैटर्न पे जिस हम मेथड को यूज कर रहे थे उससे भी क्लियर हो रहा था कि संख्या क्या है, 7 से डिविजिबल है। इसका मतलब कि ये संख्या अगर हम इसको तीन भाग में डिवाइड करेंगे, ऑड प्लेस की वैल्यू को सम करेंगे, इवन प्लेस की वैल्यू को सम करके एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट करेंगे, अच्छा सब्ट्रैक्शन में आप ध्यान रखिएगा जो भी नंबर बड़ा आएगा से एक दूसरे को सब्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब कि हम कह लें कि इनका जो डिफरेंस होगा मॉड में रहेगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि जो संख्या आएगी अगर वो 7 से डिविजिबल है या 0 है तो हम मान लेंगे कि वो संख्या 7 से भी क्या होगी, डिविजिबल होगी। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, यहां दिया गया है 1647612, तो हमने क्या किया, राइट साइड से 1 2 3 काउंट किया, एक जोड़ा बनाया, फिर 6 1 6 7 किया, एक जोड़ा बनाया, फिर 4 6 1 किया, एक जोड़ा बनाया। फिर हमने देखा कि इवन ऑड प्लेसेस पर, तो इवन प्लेस पर जो नंबर था और ऑड प्लेस पे जो नंबर उनको ऐड कर लिया, तो ऑड प्लेस पे 1 और 3rd ये ऑड होंगे, इन्हें हमने ऐड कर लिया, कितना आ गया, 376। और जो इवन प्लेस पे नंबर था वो 761 था, इनको हमने सबट्रैक्ट कर दिया, सबट्रैक्ट करने के बाद क्या, 385। फिर बेसिकली हमने क्या किया, ये देखिए अभी हमें समझ नहीं आ रहा था, मान लीजिए ऐसे देखिए 735 735 हो जा रहा था, फिर भी अगर हमें समझ नहीं आ रहा था तो हमने क्या किया, 5 एक यूनिट प्लेस डिजिट को अलग किया और उसमें 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दिया, देखिए 38 इसे अलग करेंगे क्या बचेगा, 38 - 5 × 2 = 10 28 क्या होगा, 7 डिविजिबल होगा क्योंकि 7 * 4 = 28। ये देखिए 7 से क्या हो गया, डिविजिबल हो गया। इसका मतलब कि जो दी गई संख्या है ये भी क्या होगी, 7 से डिविजिबल होगी। तो अगर डाउट है तो आइए हम इसे चेक कर लेते हैं कि ये संख्या जो दी गई है ये 7 से डिविजिबल है कि नहीं, और इसके लिए हम अपना सबसे बेसिक मेथड डिविजन मेथड से इसे चेक करते हैं कि ये डिविजिबल है कि नहीं। तो संख्या में दी गई है 1647612, इसे देखिए अब यहां से अगर डिवाइड करेंगे, देखिए 7 से डिवाइड करने चल रहे हैं तो क्या होगा, 7 2 = 14, 7 2 = 14। तो ये देखिए जब हमने इसमें 7 से डिवाइड किया तो इसका रिमाइंडर कितना आ गया, 0, इसका रिमाइंडर कितना आ गया, 0। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो दी गई संख्या है वो क्या है, 7 से डिविजिबल है। और अगर ये संख्या 7 से डिविजिबल है तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने जो क्राइटेरिया या जो डिविजिबिलिटी का मेथड पढ़ा वो क्या है, बिल्कुल सटीक बैठ रहा है हर बार। यहां भी हमने देखा, ये भी संख्या में वही प्रोसेस यूज करके देखा, तो ये भी संख्या क्या था, 7 से डिविजिबल था, और वही सारे प्रोसेस हमने इस संख्या के लिए भी यूज किया और ये भी क्या है, 7 से डिविजिबल है। इसलिए हम कह सकते हैं कि अगर हमें कोई बड़ी संख्या दी जा रही है और हमें 7 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए बोला जा रहा है तो हम उसे क्या करेंगे, उसे तीन तीन डिजिट के ग्रुप में डिवाइड करेंगे, यूनिट प्लेस पर, सॉरी, जो इवन प्लेस पर नंबर्स आएंगे और जो ऑड प्लेस पर नंबर्स आएंगे, तो इवन वाले को इवन के साथ और ऑड वाले को ऑड के साथ ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद जो भी आएगा उनका डिफरेंस निकालेंगे। अगर उनका डिफरेंस 0 आ रहा है या 7 से डिविजिबल आ रहा है तो हम कहेंगे कि वो संख्या भी क्या होगी, 7 से डिविजिबल होगी। कोई डाउट?
तो आज की क्लास में बस इतना ही। जय हिंद।